हेलो एवरीवन, स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अब लास्ट क्लास में हम पार्ट वन इसका कर चुके हैं और आप सभी को पता है कि आरआरबी जेई की जो क्लासेस है वो हम रेगुलर क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं। दोस्तों, आरआरबी जेई की पिछली क्लास में जो फर्स्ट लेक्चर में हमने थर्मोडाइनमिक्स स्टार्ट किया था और थर्मोडाइनमिक्स का जो है अभी हमारा ये सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं आपको बता दें। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब आपको मैं एक चीज़ थोड़ा सा टैली करा दूँ कि भाई आपका सिस्टम क्या था। सिस्टम जो है, सिस्टम वही चीज़ है जिस पर हम कुछ एनालाइज़ करेंगे। अगर इसको हम कुछ एनर्जी देंगे, ये समझ लो एक बकेट, एक मग में पानी रखा हुआ है, उस पानी में अगर हम कुछ हीट दे रहे हैं, कुछ उसको एनर्जी दे रहे हैं या उस पर कुछ वर्क करा रहे हैं, तो उस एनर्जी के कारण उस वाटर में या उस बकेट में भरा हुआ जो भी फ्लूड है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, उसकी डेंसिटी कितनी हो गई है या उसका टेम्परेचर कितना हो गया है या उसका वॉल्यूम कितना है, कैसा इफ़ेक्ट करा है उसका एंथैल्पी एंट्रोपी, ये सारी चीज़ें जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स किस तरह की हो गई हैं, सारी चीज़ें जब हम बताते हैं तो वही प्रॉपर्टी होती है हमारे सिस्टम की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी समझ लो आपने किसी ठंडे पानी को गर्म कर दिया, ठीक है, ठंडे पानी को गर्म कर दिया, तो ये जो पानी है हमारा, यही तो हमारा सिस्टम है, पानी हमारा सिस्टम है। अब इसी सिस्टम को हमें एनालाइज़ करना है, तो ये जो पानी गर्म हो गया तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या है, टेम्परेचर, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर हाई हो गया, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ बताएंगे। तो देखिए किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आप समझ गए होंगे प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम क्या होती है, ठीक है, जिसको हम वहाँ पे एनालाइज़ करने वाले हैं। अगर हमने किसी चीज़ को कुछ एनर्जी दे दी और उस एनर्जी देने के बाद उस चीज़ पर या उस सिस्टम पर या उस चीज़ पर क्या इफ़ेक्ट हुआ है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं या क्या क्या उसके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ स्टडी करते हैं और वही चीज़ यहाँ पे प्रॉपर्टी कहलाती है या उसको हम करेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे हमारे सिस्टम के, ठीक है। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे, देखिए आपके हो सकता है उसके मास में कुछ चेंजेस आए या उसके मास अमाउंट ऑफ मास उसका फ़्लो करे वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, है ना। तो अगर उसका मास फ़्लो कर रहा है एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन में, मास ही फ़्लो कर रहा है, तो ये किस तरह का सिस्टम हो जाएगा, ये आपका ओपन सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। ओपन सिस्टम में मास फ़्लो करता है, साथ साथ में एनर्जी फ़्लो करती है, तो वहाँ पे हमारा मास, हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे भाई एक जगह से दूसरी जगह तक कितना मास फ़्लो किया या उसके अंदर कितना मास है। ये भी एक इसकी करेक्टरिस्टिक्स है या इसकी एक प्रॉपर्टीज़ है। फिर उसके बाद वॉल्यूम, अब आपने किसी पानी गर्म है, आपका कोई फ्लूड गर्म है और उसमें से आपने कुछ पानी कुछ बाहर निकाल लिया, फिर उस वॉल्यूम में या उस वॉल्यूम में आपने कुछ और ऐड कर दिया, तो वहाँ पे जो है, या फिर गर्म होने के बाद उसका वॉल्यूम कितना हुआ, एक्सपेंड होने के बाद वॉल्यूम कितना शो कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो रहेंगी ये वॉल्यूम में आ जाएंगी, ठीक है, ये वॉल्यूम हो जाएगी। और टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर, आपने किसी फ्लूड को हीट अप किया या किसी गैस को हीट किया, तो उसके बाद उसमें कितना टेम्परेचर में चेंजेस आया, हो सकता है स्टार्टिंग में उसमें 10 डिग्री टेम्परेचर हो और फिर बाद में आगे जाके उसमें 100 डिग्री हो गया, 98 डिग्री, कुछ भी टेम्परेचर हुआ, तो उस टेम्परेचर में चेंजेस कितना आया जब हमने इसको एनर्जी दी। एनर्जी आपकी, मैंने पहले बता दी, एनर्जी आपके हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, वर्क के फॉर्म में भी हो सकती है ना, या फिर उसकी खुद की एक इंटरनल एनर्जी भी हो सकती है। तो ये एनर्जी आपने इसको दी, एनर्जी देने के बाद उसमें टेम्परेचर में क्या चेंजेस आया, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। फिर उसका जो इसका प्रेशर है, प्रेशर में भी आप देखेंगे कि भाई आपने मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके वो कर दिया आपने मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स, एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पे इसको हीट अप किया, समझ लो फॉर एग्जांपल आपने इस फ्लूड को हीट किया, तो उसके मॉलिक्यूल्स इधर रैंडमली कहीं मूव करेंगे या उसमें से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे 100 डिग्री के बाद, या फिर मतलब सेकंड दो डबल फेस में आ जाएगा आपका। देखिए अभी ये पानी आपका सिंगल फेस में, फिर डबल फेस में आ जाएगा, मतलब वेपर में चेंज होने लगेगा इसके बाद, तो ऐसी कंडीशन में उसके प्रेशर में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी जब सिंगल फेस में था तो प्रेशर जो है वो सेम रहेगा आपका, अभी चेंज नहीं हुआ। मॉलिक्यूल जैसे वो हीट अप हुए तो आपका प्रेशर जो है बढ़ने लगा, प्रेशर बढ़ने के साथ जैसे वो दूसरे फेस में गया तो और कुछ और प्रेशर वहाँ पे हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ प्रेशर भी पढ़ेंगे। फिर इंटरनल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी एंट्रोपी या डेंसिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी के अंदर आती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, इसमें से कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जिन प्रॉपर्टी का कुछ अलग नाम होगा, हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो जिनका कुछ अलग नाम होगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टी भी दो तरह की होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है कि जो, देखिए मैं आपको आगे बताता हूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, मैं आपको आगे दिखाता हूँ स्लाइड। देखिए ये दो तरह की प्रॉपर्टी होती है आपकी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसका इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास पे डिपेंड नहीं करती,
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक मग के अंदर पानी रखा है, देखिए मैं फिर से अच्छे से बता दूँ, एक मग के अंदर आपने पानी रखा, उस मग को आपने गर्म करना शुरू किया, अभी उसका टेम्परेचर कितना था समझ लो 2 डिग्री सेंटीग्रेड उसका अभी टेम्परेचर था। अब आपने उसको हीट अप किया, नीचे से हीट करते रहे करते रहे करते रहे हीट करते रहे, उसको करने के बाद इसका टेम्परेचर लगभग पहुंच गया समझ लो 70 डिग्री तक पहुंच गया। अब 70 डिग्री तक पहुंच गया, आपने कहा काफ़ी गर्म हो गया, नहाने लायक पानी हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल। अब आप में से आपने इसमें से आधा पानी निकाल लिया, ठीक है आधा पानी नहीं निकाला, लेकिन क्या इसमें इसके टेम्परेचर में 70 डिग्री में और इसके टेम्परेचर 70 डिग्री में कुछ चेंजेस हुए, मास हमने कम कर लिया या मास बाहर निकाल लिया, क्या मास के रिड्यूस होने के कारण या मास को हमने बाहर निकाल लिया कम कर लिया उसके कारण इसके टेम्परेचर में कोई फ़र्क आया? नहीं आया। क्यों? इससे क्या हमें पता चला कि टेम्परेचर मास पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप ज़रा सा भी मास छोड़ेंगे तो उसका टेम्परेचर भी 70 डिग्री ही रहेगा। अगर आप पूरा मास है आपका वॉल्यूम जो भी आपका यहाँ पे लिक्विड है या फ्लूड है उस वाटर है इसका पूरा मास है तो ये उसका टेम्परेचर भी 70 डिग्री ही रहेगा। अगर आप उसमें से आधा निकाल भी लेते हैं तब भी उसका टेम्परेचर 70 डिग्री रहेगा। तो ऐसे जो ऐसी इसके करेक्टरिस्टिक्स और ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिनकी जिनको मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मास कितना भी हो निकाल लिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए मास पे। तो ऐसे देखिए प्रेशर, अगर आपने एक एक मग में यहाँ पे एक बार प्रेशर का कुछ आपने यहाँ पे या 5 बार प्रेशर का आपने यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है आपने फ्लूड रखा हुआ है, तो इस फ्लूड का जो प्रेशर 5 बार तब भी उतना ही रहेगा, समझ लो एक बार है, ठीक है एक बार प्रेशर है ना, तो ये प्रेशर उतना ही रहेगा भले ही आप इसमें से आधा फ्लूड निकाल लें या इसमें से 10% फ्लूड बाहर निकाल लें, इसका प्रेशर वही रहेगा। तो इसका मतलब प्रेशर में भी चेंजेस नहीं आते। अगर मास पे डिपेंड प्रेशर नहीं करता, आप मास बढ़ा दें या मास आप उससे कम कर लें, प्रेशर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी मैंने आपको बताया कोई फ़र्क नहीं। डेंसिटी, अब देखिए यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स जितने क्लोज हैं, जितने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज हैं इनके मॉलिक्यूल और इनके जो डेंसिटी है समझ लो जितनी भी यहाँ पे डेंसिटी होगी उतनी डेंसिटी तब भी रहेगी भले उसके हम लिक्विड या उसके फ्लूड को हम कितना भी बाहर निकाल लें, ठीक है। तो मतलब मास पर यहाँ पे डेंसिटी भी डिपेंड नहीं करती, इसकी डेंसिटी इसका घनत्व जितना होगा जितनी डेंसिटी इस सारे लिक्विड की होगी वो लिक्विड कहीं भी चला जाए थोड़ा सा भी उठा। आपने एक गिलास में शरबत घोरी, शरबत बनाई आपने एक गिलास में, ठीक है उसमें जो आपने एक वो सॉल्यूशन बन गया, ठीक है शक्कर मिला दिया आपने शरबत बना दिया, तो वो शरबत की जो डेंसिटी होगी उसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, शुगर के जितने भी मॉलिक्यूल्स वहाँ पे डिसॉल्व हुए होंगे वो पूरा बराबर पूरे ही पानी में डिसॉल्व हुए होंगे, वो डेंसिटी जो है इसकी यहाँ पे बढ़ गई होगी क्योंकि वाटर में जब शुगर मिल गई तो डेंसिटी बढ़ गई होगी, तो सारे लिक्विड की डेंसिटी एक ही रहेगी, उतना ही मीठा लगेगा यहाँ पर भी उतना मीठा यहाँ पर भी लगेगा। आप आधा गिलास पिए या पूरा गिलास पिए मीठा आपको बराबर लगेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आगे चल के हम सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद देखिए थर्मल कंडक्टिविटी भी एक तरह से आपकी क्या है यहाँ पे, क्या चीज़ है थर्मल कंडक्टिविटी भी आपकी यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसका देखिए आपकी स्पेसिफिक हीट भी यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए स्पेसिफिक हीट का हम यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, स्पेसिफिक हीट अभी इस समय जिसको हम सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, ठीक है मास पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम इसके साथ मास को भी इंटू कर दिया जाए, सीपी को एम से इंटू कर दिया जाए, तो ये क्या करेगी, ये देखिए इस तरह से रोल फ्लो करेगी, ये एक क्या बन जाएगी हीट कैपेसिटी बन जाएगी। आप सभी को पता है कि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक हीट इनटू मास है ना, तो ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है। अगर इसके साथ हमने एम को लगा दिया, इसके साथ हमने एम को मल्टीप्लाई कर दिया, किसके साथ स्पेसिफिक हीट के साथ, अब ये स्पेसिफिक हीट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मास नहीं है, इसके साथ मास आ चुका है, इसके साथ मास जुड़ चुका है, देखिए यहाँ पे एम जुड़ चुका है सीपी के साथ स्पेसिफिक हीट के साथ। अब ये किस तरह का रोल करने लगेगी, अब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करने लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर मास अब इसमें से फिर से हमने मास हटा दिया, अगर इसको हमने हटा दिया क्रॉस कर दिया, तो ये सीपी अकेला बचा है, अब इस कोई मास से इसका रिलेशन नहीं है, अब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी की तरह काम कर रही है, ठीक है। वैसे ही दूसरा होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको बता दूँ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती हैं वो डिपेंड करती है मास पर, अगर आपका मास जो है कम हो गया तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे एक लीटर वाटर रखा है, एक लीटर वाटर में से आपने 200 ग्राम
200 ml जो है आपने लिक्विड जो है बाहर निकाल लिया, 200 ml, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 800 ml बचा होगा, तो ये वॉल्यूम क्या कम हो गया, ठीक है। आपने मास को बाहर निकाला तो वॉल्यूम कम हो गया, तो ये वॉल्यूम देखिए यहाँ पे कम हुआ। तो क्या है वॉल्यूम, क्या है एक चीज़, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है, पूरी तरह मास पे डिपेंड कर रही है ना। तो इस तरह से वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसी तरह एनर्जी, एनर्जी भी एक तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंथैल्पी हो गई, इंटरनल एनर्जी हो गई, ये सारी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल किसी बॉडी का इंटरनल एनर्जी का देख रहे हैं, किसी बॉडी का इंटरनल मास है कुछ, ठीक है, समझ लो इंटरनल मास 10 है। अब इसका हमने मास, इस बॉडी का जो है मास आधा कर लिया, तो हो सकता है इसकी इंटरनल एनर्जी, अंदरूनी जो इसकी ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अगर आप दो लोग हैं, आप दो फ्रेंड हैं, दोनों फ्रेंड एक साथ मतलब बिल्कुल एकदम हाथ पकड़ कर चल रहे हैं, किसी चीज़ को खींच रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल उसमें से आप दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, आपकी इंटरनल एनर्जी बहुत सारी है, ठीक है, डबल है, अभी इस समय 10 है, आपके एक फ्रेंड ने हाथ छोड़ दिया और एक ही अकेला बंदा किसी वेट को खींच रहा है, तो उसकी एनर्जी कम होगी, इंटरनल एनर्जी, या फिर उसकी जो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कम हो जाएगा। तो इसी तरह क्या है कि जो एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी या एनर्जी, ये डिपेंड करती है मास पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये वैसा एक एग्जांपल था, उसको आप इतना ज़्यादा भावनाओं में आके इतना ज़्यादा डीपली मत सोचने लगना, ठीक है। तो ये एग्जांपल था, तो मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें समझाने जा रहा था, ठीक है। डिपेंड ऑन मास, तो कुछ चीज़ें जब मास पर डिपेंड करती है उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और कुछ मास पर डिपेंड नहीं करती उसे इंटेंसिव बोलते हैं। जैसे कि टेम्परेचर उतना ही रहेगा, आप जितना गर्म पानी कर दिया, जितना निकाल लिया उतना ही रहेगा, तो ये हो गया इंटेंसिव। अब एक्सटेंसिव क्या है, आपने 1 लीटर पानी लिया, आधा लीटर निकाल लिया तो आधा लीटर बचेगा, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम फ़र्क, वॉल्यूम का डिफरेंस आया किसकी वजह से, मास की वजह से। तो ये होती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखिए कुछ ऐसे केस, जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक हीट के साथ अगर हमने मास ऐड कर दिया तो वो किस तरह की काम करने लगा, आपका हीट कैपेसिटी की तरह काम करने लगा था, और वो हीट कैपेसिटी अब क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखिए कभी एक ऐसे केस होते हैं कि हो सकता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बट उसमें मास हमने ऐड कर दिया, मास का इंटरफेयर हो गया, तो अब वो स्पेसिफिक हीट नहीं कहलाएगी, अब वो कहलाएगी हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी, क्योंकि उसके साथ मास आ गया है, वो अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की तरह काम करेगी। अगर हीट कैपेसिटी में हमने मास ज़्यादा मिला दिया, उतनी ही ज़्यादा हीट कैपेसिटी हो जाएगी, जितना मास कम हो जाएगा उतना हीट कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ डिपेंड करेगी मास पर, ठीक है, वैसा ही यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा। देखिए अभी आपको मैंने बताया अभी वॉल्यूम जो था, वॉल्यूम आपकी क्या होता है, डिपेंड करती है मास पे, लेकिन अब मैं आपको बता दूँ कि भाई वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया जाए मास से, वॉल्यूम के अंदर से हमने मास निकाल के फेंक दिया, मास का रिलेशन इससे रह गया, उन दोनों की लड़ाई हो गई, मास की वॉल्यूम से लड़ाई हो गई, ठीक है। तो अब ये मास आके डिवाइड हो गया, मतलब डिवाइड मतलब अलग हो गया है ना, तो वॉल्यूम जब मास से डिवाइड हो जाता है तो स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल एच को हम बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए स्मॉल वी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, केस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या हो जाता है जब हम स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालते हैं, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है मेन जो हमारा वॉल्यूम था उसमें से मास को डिवाइड कर देते हैं, मास को बाहर निकाल लेते हैं, या मास को उसके उससे उसका रिलेशनशिप ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम से मास का। तो ऐसे केस में वो क्या करता है, रोल फ्लो करता है, रोल निभाता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम की तरह रोल निभाता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये स्पेसिफिक वॉल्यूम मास से आज़ाद हो चुका है, मास से फ्री हो चुका है, अब ये कैसा रोल फ्लो करेगा, अब ये कैसा रोल निभाएगा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी की तरह रोल निभाएगा, क्योंकि इसको मास से अब लेना देना है ही नहीं, स्पेसिफिक जो वॉल्यूम होता है उसको मास से लेना देना नहीं। अब मैं आपको यहाँ पे इतना इस चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों अब आपको पहले से ऑलरेडी पता है कि भाई वॉल्यूम जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल पता है। अब एग्जामिनर आपसे कैसे पूछेगा, भाई स्पेसिफिक वॉल्यूम इज़ एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आपके दिमाग में आएगा भाई वॉल्यूम आया नाम, वॉल्यूम नाम आ गया है, वॉल्यूम इसका मतलब यहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होगा तब भी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का नहीं, बिल्कुल आप यहाँ गलत कर देंगे। क्यों, स्पेसिफिक वॉल्यूम ये जब बना है जब वो फ्री फ्रॉम मास से आज़ाद हो चुका है, ठीक है, मास उसके साथ डिवाइड कर दिया गया है, तो अब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी की तरह काम कर रहा है, तो अब हमारा आंसर हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या हम स्पेसिफिक वॉल्यूम को बोलेंगे इंटेंसिव एनर्जी, ठीक है, इंटेंसिव एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। यही चीज़ है, क्वेश्चन आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं आए, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं जब आपको हीट इंजन पढ़ा रहा था तब भी मैं आपको यही चीज़ बोल रहा था कि इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको देखिए जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, और कैसे बनेंगे वही चीज़ है। देखिए दिमाग वो यही लगाते हैं
कि स्टूडेंट को जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप आसानी से जाएंगे एक्सटेंसिव पे लगा के आएंगे, वहाँ ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपने वॉल्यूम देखा बस, स्पेसिफिक वॉल्यूम का असली मतलब क्या होता है ये नहीं जाना आपने। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम अपॉन मास, वॉल्यूम जो है मास से डिवाइड कर दिया गया, मतलब यहाँ मास का कोई रोल नहीं रह गया, मास पे डिपेंड नहीं कर रही स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसका मतलब वो क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप सभी को मैंने अभी बताया कि मास पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। वैसे ही देखिए सेम चीज़ यहाँ पे भी एंथैल्पी, एंथैल्पी को हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं और जब हम स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात करें तो स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हो। स्पेसिफिक एंथैल्पी जो होती है वो आपकी स्मॉल एच जो होता है वो कैपिटल एच मतलब एंथैल्पी डिवाइडेड बाय एम होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया डिवाइडेड बाय एम कर दिया इसको, तो अब ये किस तरह रोल निभाने लगा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी की तरह रोल निभाने लगा। तो यहाँ पे ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गई आपकी स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, ये सारे नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, आप बिल्कुल टेलीग्राम में सर्च कर लें, स्टडी आई कैन नाम से सर्च करें, एक ऑफिशियल आपको मिलेगा, या फिर आप RRBJEE नाम से स्टडी आई कैन RRBJEE नाम से आप सर्च करें तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें आप बिल्कुल वहाँ पे, या फिर स्टडी आई कैन ऑफिशियल ज्वाइन करें वहाँ पे। अगर देखिए क्या होता है बहुत सारे लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं जो JEE का ग्रुप है, ठीक है, तो आप लोगों के पास काफ़ी मैसेज आ जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप है ना ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप उसको भी ज्वाइन करें, वहाँ पे सिर्फ मैं मैसेज कर सकता हूँ, कोई डिस्कशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वहाँ पे आपको ये करना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF के फॉर्म में। तो ये आगे चलिए हम आगे देखते हैं, देखिए ये प्रॉपर्टी के बारे में आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया और जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो आगे देखते हैं अब आगे क्या है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है स्टेट। अब मैं आपको बता दूँ स्टेट क्या होता है। अब देखिए आपने क्या किया, आपने भाई एक पानी को गर्म कर दिया है, समझ लो अभी अभी एक बर्फ़ ले लिया, बर्फ़ ठीक है, एग्जाम्पल है आइस ले लिया आपने, आइस के क्यूब ले लिए छोटे छोटे, ठीक है, आइस के क्यूब ले लिए अभी यहाँ पे इस समय, ठीक है। अभी गर्मियों में बहुत सा अच्छा एक्सपेरिमेंट आप कर पा रहे होंगे, फ्रीजर में आप बॉटल रख देते हैं एकदम फ्रीज जम जाती है, फिर उसके ऊपर हम दूसरा पानी ठंडा हुआ थोड़ा सा नॉर्मल पानी मिलाते तो आइस डिजॉल्व होने लगती है, क्यों, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होने लगती है, उस जो हमने नॉर्मल वाटर मिलाया उसकी हीट जो है कोल्ड की तरफ आने। तो अभी हमने आइस के क्यूब रखे हुए, अभी इस समय इस टाइम पर हो रहा है समझ लो 10 बज रहा है, इस समय इसको हमने हीट देना शुरू किया, ठीक है। इस समय इसकी कंडीशन कैसी है, सॉलिड के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में, तो ये इसका एक स्टेट हुआ, क्या है, एक अलग स्टेट में सॉलिड की। अब 10 बजने के बाद यहाँ पे बज गए 11, एक घंटा हो गया, एक घंटे बाद ये पूरा मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा ना, हीट दे दी नीचे से मेल्ट हो जाएगा। अब इसका स्टेट क्या हो गया, अब इसका स्टेट लिक्विड के फॉर्म में आ गया, तो मतलब स्टेट चेंज हुआ ना, तो यही चीज़ है स्टेट, एक पर्टिकुलर टाइम में किसी टाइम पीरियड में उसकी कंडीशन क्या थी और किसी आने वाले कुछ अलग समय में उसकी कंडीशन क्या थी। तो जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, जब हम किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं, तो उस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर टाइम में उस एनर्जी को लेने के बाद उस सिस्टम में क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, क्या उसका स्टेट है, किस फॉर्म में है, वो लिक्विड के फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है, या सॉलिड के फॉर्म में, या जो भी किसी भी फॉर्म में है, या कि उसका टेम्परेचर के साथ उसकी अलग तरह से इसकी डेंसिटी होगी, तो मतलब वो किस फॉर्म में है उस पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट। तो देखिए पर ये क्या है, एनी पर्टिकुलर टाइम द कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज़ कॉल्ड स्टेट, ठीक है। कंडीशन क्या है हमारे सिस्टम की, उसको हम स्टेट बोलते हैं। कंडीशन कैसी, कि आपने भाई अभी गर्म करना शुरू किया वाटर को, एक कंटेनर में पानी लिया, गर्म करना शुरू किया, अभी तो आपका पानी हल्का हल्का गर्म हो रहा है, अभी आप हाथ डालकर उस पर चेक कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आ जाएगा जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा ना, तो ये क्या है, भाप की स्टीम बनने लगेगा, उस समय आप बिल्कुल हाथ नहीं डाल सकते, लेकिन अभी उसकी स्टेट आपके 10-15 मिनट पहले कुछ अलग थी, अभी स्टेट अलग है, ठीक है। पहले वो सिंगल फेस में था, सिर्फ वाटर ही उसका गर्म हो रहा था 100 डिग्री पे, अब ये जो है इवोपोरेट होने लगा, ठीक है, ये है ना, ठीक है। तो अभी ये क्या होने लगा, स्टीम में कन्वर्ट होने लगा, तो ये अपने फेस चेंज करने लगा, मतलब डबल फेस में आ गया ये, है ना, तो ये अपना फेस चेंज करने लगा 100 डिग्री के बाद। तो ये पर्टिकुलर हर टाइम में हर कंडीशन अलग अलग होगी, हर चीज़ की, हर लिक्विड की, हर फ्लूड की अलग अलग कंडीशन होगी, तो वही स्टेट होता है कि आपका सॉलिड या आपका लिक्विड या आपका, वैसे यहाँ पे सॉलिड का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बट आपका फ्लूड के बारे में ही हम ज़्यादातर पढ़ेंगे। तो आपका जो फ्लूड है या गैस है या जो भी आपका, उसका स्टेट कैसा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेट ही बताती हैं। तो स्टेट, अब भाई स्टेट हमने बताया, हमने एक समय ले लिया, समझ लो हमारी घड़ी में 4 बज रहे हैं, हमने उस समय एक लिक्विड को देखा, उसका स्टेट कितना है। लेकिन हम ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने स्टेट देख लिया, हमने देखा कि अरे यार ये लिक्विड के फॉर्म में, हमने सीधे बता दिया भाई ये लिक्विड है, ऐसा स्टेट को देखने की ये नहीं, उसके कुछ कंडीशन है। नंबर 1, पहली कंडीशन कि जो भी आप लेंगे, जो भी
जो भी आप सिस्टम के लिए जो भी आप प्रॉपर्टी उसकी आइडेंटिफाई करेंगे तो कम से कम दो दो प्रॉपर्टी तो होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के साथ साथ आपका जो टेम्परेचर है तो डेंसिटी भी होना चाहिए आपके पास। कोई भी दो जो है होने चाहिए आपके पास, दो क्या दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। टेम्परेचर है ठीक है, तो उसके साथ साथ आपके पास एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे आपके दो प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास जो है समझ लो स्पेसिफिक हीट हम निकालेंगे तो साथ में आपको टेम्परेचर भी निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे दो प्रॉपर्टी होंगी, पहला पॉइंट दो प्रॉपर्टीज़ को हम एनालाइज करेंगे। दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो दो प्रॉपर्टी होंगी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी, मास पे डिपेंड करेगी, मास पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट दो प्रॉपर्टी होंगी उसकी, उन्हीं दो प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उसको एनालाइज करेंगे। दूसरा पॉइंट ये जो दो प्रॉपर्टीज़ होंगी ये दो प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पर डिपेंड नहीं होने चाहिए इन प्रॉपर्टीज़ को ठीक है। इस तरह से हम उसको स्टेट को हम आइडेंटिफाई करेंगे ठीक है। तो देखिए स्टेट इज़ फिक्स्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी ठीक है। स्टेट को हम कैसे निकालते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसे डायरेक्ट हमने देखा भाई पानी भरा हुआ है एक मग में, हमने बता दिया इसका स्टेट लिक्विड है, इसका स्टेट सॉलिड में, ऐसे नहीं करना है। इसमें करना ये है कि इसको हम इसकी कम से कम दो प्रॉपर्टीज़ के कॉम्बिनेशन, इसको हम स्टेट को फिक्स करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ की कॉम्बिनेशन के हिसाब से ठीक है। और क्या क्या होना चाहिए देखिए, मैंने आपको बताया स्टेट ऑफ कंप्रेसिबल ऑफ सिंगल फेज, और ये इस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ को ही बोला जाता है स्टेट पोस्टुलेट ठीक है। बस मैंने डायरेक्ट बता दिया, ये जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट करते हैं, हो सकता है आपका वॉल्यूम और उसका डेंसिटी का हमने कर लिया कॉम्बिनेशन, सॉरी वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं उसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम, यहाँ पे टेम्परेचर और आप प्रेशर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप, टेम्परेचर और प्रेशर का यूज़ कर लिया। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करके उस हमारे सिस्टम को हम एनालाइज़ करेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं इसको ही हम बोलते हैं स्टेट पोस्टुलेट ठीक है। तो आप देखिए डेफिनेशन में, स्टेट ऑफ कंप्रेसिबल और अ सिंगल फेज सिस्टम इज़ फिक्स्ड बाय मिनिमम टू इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज़ कॉल्ड स्टेट पोस्टुलेट। स्टेट पोस्टुलेट का मतलब ये होता है कि भाई आपका जो लिक्विड है वो सिंगल फेज में होना चाहिए, या फिर आपका जो भी जिसको भी सिस्टम को आप एनालाइज करेंगे वो आपके सिंगल फेज में होना चाहिए, और साथ में उसकी दो प्रॉपर्टीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है तभी आप स्टेट बता सकते हैं, और जो ये जो दो प्रॉपर्टी होंगी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सिंगल फेज़ क्या है, तो देखिए सिंगल फेज़ क्या होता है, जब आप पानी को गर्म या वाटर को गर्म करते हैं तो वो पहले गर्म होता रहेगा है ना। तो गर्म होने के बाद ये अभी इसका सिंगल फेज़ ही है, अभी ये हॉट ही डिज़ोल्व ही हो रहा है, हॉट ही है मतलब है ना। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये अपना फेज़ चेंज करने लगेगा, मतलब इसके डबल फेस आ जाएंगे है ना, तो दो फेस आ जाएंगे है ना। तो ये यहाँ पे फिर क्या है स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या है फेस चेंज हुआ, वाटर से यहाँ पे गैस के फॉर्म में चेंज होने लगा ठीक है, स्टीम के फॉर्म में चेंज हुआ, तो यहाँ पे डबल फेस है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, हमें एनालाइज़ करना, स्टेट बताना उस पर्टिकुलर कंडीशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे मैंने आपको बताया, या फिर आप एनालाइज़ करेंगे तो पूरा स्टीम जो है या गैसियस फॉर्म में या स्टीम के फॉर्म में उसको आप उस फेज़ को लेंगे एक सिंगल फेज़ को, या फिर आप यहाँ पे जो आपका ये होगा लिक्विड के फॉर्म में उस फेज़ में लेंगे। अगर इन दोनों के बीच की कंडीशन को अगर आप एनालाइज़ कर रहे हैं तो फिर आपको तीसरी चौथी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी साथ में, वो बाकी आगे जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में जब हम करेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, सारे हम ग्राफ वगैरह करेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, जैसे हम ऐसे एनालाइज़ करते हैं, देखिए सबसे पहले होना चाहिए उसमें सिंगल फेज़, मैंने अभी आपको बताया क्या होता है सिंगल फेज़, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए और इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वही जो मास पर डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी भी वही जो मास पर डिपेंड ना करे ठीक है। और देखिए फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया आपने ये वाटर है, ये वाटर को डिसॉल्व करना, अभी इस समय टेम्परेचर 100 डिग्री है, 10 डिग्री है, अब हम इसको हीट अप करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार प्रेशर है, एक बार प्रेशर बना ही रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर एक बार प्रेशर है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे देखिए हम टेम्परेचर के टर्म में और प्रेशर के टर्म में इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में, या किसी भी दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के टर्म में।
तो दोस्तों ये काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पे देख लिया स्टेट को, और ये थोड़ा सा लेंदी ना हो जाए तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों इससे होता ही है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम आपके लिए इसी तरह वीडियो नई नई बनाते रहते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ से आपको सारे इसके PDF नोट मिल जाएंगे, ठीक है। आप स्टडी आइकन से सर्च करें टेलीग्राम में, मिल जाएगा आपको आसानी से, और या स्टडी आइकन JEE नाम से या RRB JEE नाम से भी आपको मिल जाएगा। स्टडी आइकन का लोगो होगा, उस पर आप सर्च करेंगे, अब उस पर ज्वाइन हो जाएँ। अगर आप स्टडी आइकन में मुझे भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, तो अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो मुझे पर्सनली मैसेज करें तो मैं आपको वहाँ से ज्वाइन करा दूँगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे आएगी। तो डेली हम एक एक लेक्चर लेकर आ रहे हैं आपके, ये थर्मोडायनेमिक्स का चल रहा है हमारा JEE का, और यही आपके SSC JEE के लिए भी इसमें से काफ़ी इसमें से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप SSC JEE की भी इसी से प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।